अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समर कैरियर। आज मैं आपको कैरियर का सर्वे बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 किलो कैरियर लिए, उनको मैं तवे पे भून लूँगी अच्छी तरह से, 2 फ्लेम पे उनको चारों तरफ से मैं भूनूंगी, तो मैं ढक दूंगी आधे घंटे के लिए। बीच बीच में मैं इसको खोल के पलटती रहूँगी कैरियर को। मैं ये आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया, हमारी कैरियर बिल्कुल जल गई है अच्छी तरह से, और चारों तरफ से रोज भी हो गई। उनको मैं पानी में डालूंगी, उनको मैं 2-3 दफ़ा इसका पानी बदल दूंगी, और इसको मैं पानी से निकाल के इसको ठीक से अच्छी तरह से साफ कर लूँगी, और इसकी घुटनों को मैं पानी में डालूंगी और इसको साफ करके मैं इसकी घुटनों को फेंक दूंगी। मैं इसके गूदे को आम से ग्राइंडर में डालकर अच्छा स्मूथ सा बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। मैंने 2 दफ़ा में पीसूंगी, इसे हमारा 1 दफ़ा में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको 2 दफ़ा में रख के पीसूंगी। मैंने आधा किलो चीनी ली, 1 किलो हमारी तैयार थी और मैंने आधा किलो चीनी छीन लिया। इस शरबत को आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप तकरीबन 1 हफ्ते के लिए आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं। ये मैंने बारीक पेस्ट बना लिया, इसको मैं छान लूँगी ताकि आम के अंदर जो रेशे होते हैं वो हमारे निकल जाए, वो शरबत में नहीं आएंगे। हमारा अच्छा सा शरबत तैयार हो गया। आप अगर किसी मरीज को या किसी पेशेंट को भूख लग गई हो, आप उसको ये शरबत पिलाएं, इंशाल्लाह उसको हीट स्ट्रोक का असर खत्म हो जाएगा। मैंने 1 जग में बर्फ और पानी है, उसके अंदर में अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शक्कर डालूँ, आपको जितना मीठा पसंद है ज़रा ज़्यादा भी डाल सकते हो और अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।